मैंने ये गलती हरगिज नहीं करना, जब तक मैं खुद विजिट न कर लूं कोई कंसाइनमेंट नहीं जाएगी। ओके आओ जी बरखुरदार, बाप के साथ बात करने का वक्त मिल गया आपको। अरे डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप भी बिजी होते हैं वरना मैं तो। खैर बोलो क्या बात है डैड। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसहैप हुआ था तो उसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर उस लड़की का है क्योंकि वो इफ्तिखार बेग की बेटी है। डैड वो भी आपके बारे में ना यही कहते हैं। आई डैम केयर, कहती है तो कहती रहे, माय फुट। कुछ और कहना है तुमने? कहना है और ये कहना है कि डैड ये कोई पत्थरों का जमाना नहीं है कि माँ बाप कोई भी फैसला अपने बच्चों पर मुसल्लत कर दे और बच्चे आंख बंद करके उसे मान ले। हम दोनों यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों की रजामंदी शामिल हो, वरना वरना क्या करोगे? वरना ये कि फिर अयान आंटी ही हमारी शादी करवाएंगी, आज नहीं तो कल मैं और अयान आंटी को ढूंढ कर ही रहेंगे। आप देखिएगा अयान आंटी को ढूंढ लेंगे, वो कोई आटा या चीनी है जिसे मैं इतना अरसा ना ढूंढ सका और ये ढूंढ लेंगे। वाह। अरे अच्छा हो तुम आमी बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आप बाबा मुझे भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर डर रही हूँ कि आप हर्ट ना हो जाएं। हर्ट क्यों होगा, मैं बहुत मजबूत आसाब कमा रहे। बोलो। बाबा मुझे लगता है कि आंटी आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम कैसे कह सकती हो? उनकी बातों से लगा है मुझे। अरे तुमने गलत समझा होगा, गलत फहमी होगी तुम्हें, ये थोड़ी कह रही होगी वो। अच्छा तुमने उनको ये नहीं बताया कि बाल मेरे जो है वो नजले की वजह से सफेद हुए हैं? मसला बालों का नहीं है बाबा। तो पेट कौन सा इतना बड़ा है, मशीन मंगाइए सेट हो जाऊंगा। ओफो आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे मैं सब समझ रहा हूँ भाई, लड़कियाँ शादी से पहले ऐसे ही बातें करती हैं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे आप समझ ही नहीं रहे बाबा, बस बोले चले जा रहे हैं। अच्छा भाई चलो तुम बता दो जो मैं नहीं समझ रहा। बाबा वो अयान आंटी ने शादी से मना कर दिया है, शायद उन्हें कोई बात बुरी लग गई है हमारी। क्या सच्ची इनकार कर दिया? हाँ बाबा। अरे बेटा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, शुक्र है इनकार कर दिया। मैं तो खुद इनकार करने वाला था लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम तक ये बात पहुंचाऊं कैसे। आप मुझे बना तो नहीं रहे ना, पक्का पक्का बताया आप हर्ट तो नहीं हुए ना? हरगिज़ नहीं, उस औरत से हर्ट हूंगा मैं, वैसे भी मेरी बेटी मेरे पास है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। हा? आप बेस्ट बाबा इस दुनिया। अब तुम दुनिया की बेस्ट बेटी। बाबा यू आर सो स्वीट। मैं ये सोचता हूँ जब तुम अपने घर चली जाओगी तो तो कितना सुकून हो जाएगा मेरी लाइफ में। ये पार्टी टाइम। बाबा।